फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। फटाफट नजर डालते हैं जिले भर की तमाम बड़ी खबरों पर। नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम चरण की मतगणना शुरू, पुलिस छावनी में बदलाव। पॉलिटेक्निक कॉलेज गोविंदगढ़, गुड़, मनगवां, बैकुंठपुर, सिरमौर, सिमरिया, चाकघाट और डभौरा के आएंगे नतीजे। महापौर सहित पार्षदों के भाग्य का फैसला होगा आज। फर्जी मास्टर रोल के जरिए घपला करने वालों से वसूली का आदेश, जिला पंचायत सीईओ ने जारी किया 7 दिन के भीतर वसूली का आदेश। गंगेव जनपद के जोरी पंचायत का मामला। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का 55वां स्थापना दिवस आज। शिक्षा की जगह अलग सौविध्य में खुली तरक्की की राह। विश्वविद्यालय की स्थापना 1968 में की गई थी। स्वतंत्रता सेनानी रहे राज्य के तत्कालीन प्रधानमंत्री कप्तान अवधेश प्रताप सिंह ने रीवा में विश्वविद्यालय की रखी थी मांग। विंध्य में चल रहा नकली ऑयल का कारोबार, रीवा पुलिस ने पकड़े 103 डिब्बे, 4 पर प्रकरण दर्ज। विश्वविद्यालय पुलिस ने अलग अलग दुकानों में की कार्यवाही। परिवहन सुरक्षा स्क्वाड व आरटीओ विभाग की संयुक्त कार्रवाई में यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूल वाहनों के खिलाफ कसा शिकंजा, 3 बसों पर जुर्माना। नियमों की अनदेखी करने पर बड़ी कार्यवाही की चेतावनी। नेशनल हॉस्पिटल में कैंसर सर्जरी 5 ऑपरेशन हुए। कैंसर सर्जरी सेवाओं का विस्तार करते हुए नेशनल हॉस्पिटल में हर पखवाड़े में कैंसर सर्जरी की व्यवस्था शुरू। कैंसर सर्जन डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला ने अपनी टीम के साथ आयोजित शिविर में किए 5 ऑपरेशन। नकली नोट कांड में पुलिस के खाली हाथ, कारोबार का मास्टरमाइंड नहीं लग पाया। पुलिस के हाथ पकड़े गए 3 आरोपियों की रिमांड खत्म होने पर पुलिस ने न्यायालय में किया पेश। केंद्रीय जेल रीवा में बीते 9 जुलाई को आदिवासी बंदी राजू कौल निवासी फर्जी चाकघाट की मौत के बाद नहीं मिली एम्बुलेंस, तो लोडर से शव को भेजा गया आदिवासी बंदी के गाँव। पोल में उतरे करंट में फंसा किसान, मौत पर लगाया गया जाम। बिजली कंपनी की लापरवाही ने छीन लिया अन्नदाता की जिंदगी। परवार थाने क्षेत्र के चौर गांव निवासी शिव बहादुर साहू हुआ घटना का शिकार। गला घोट कर युवक की गई हत्या, धारदार हथियार से काटी नाक। रायपुर का चुरान के लोहद्वार गांव में वारदात से खींचा सनाका। मृतक की अंबिका पटेल के रूप में हुई पहचान, पुलिस जाँच में जुटी। रीवा रेल स्टेशन के एसी कोच में युवक का फांसी से फंदे पर लटकता हुआ मिला शव, जीआरपी पुलिस जाँच में जुटी। स्कूल के लिए निकली छात्रा लापता, घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैलाशपुरी से हुआ छात्रा का अपहरण। शराब पीने के लिए पैसा नहीं देने पर युवकों ने की मारपीट, गढ़वा में हुई घटना। चमन तिवारी के साथ आदर्श तिवारी, शिवम त्रिपाठी निवासी महिदल थाना रामपुर बघिलान ने की मारपीट। घर के अंदर घुसे बदमाशों ने मोबाइल सहित अन्य सामान चुराया। चौराटा थाना क्षेत्र में हुई घटना, पीड़ित नागेंद्र मणि मिश्रा की शिकायत पर पुलिस जाँच में जुटी। घर के अंदर घुसकर ट्रैक्टर की बैटरी, पाइप सहित अन्य सामान चुरा ले गए बदमाश। सोराठा थाना क्षेत्र के कचूर निवासी विमलेंद्र सिंह के घर हुई चोरी की वारदात। घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल चोरी कर ले गए बदमाश। बिछिया थाना क्षेत्र के महाजन टोला में हुई घटना, अमित सिंह परिहार की मोटरसाइकिल चुरा ले गए बदमाश। बिछिया थाना क्षेत्र के निवासी धीरेन्द्र पटेल के खेत से समर्सियल पंप चुरा ले गए बदमाश। किसान की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी। बुनियादी रंजिश को लेकर विवेकानंद नगर में मारपीट, गाड़ी में तोड़फोड़। प्रदीप कुमार पांडे के साथ संजू बबलू पप्पू ने की मारपीट, विरोध करने पर स्कूटी में की तोड़फोड़। समान थाना क्षेत्र के अरुण नगर में किराए से रहने वाले संतोष कुमार मिश्रा की बुलेरो चुरा ले गए बदमाश। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी। लगातार फोर व्हीलर वाहनों की हो रही है चोरी, वाहन मालिकों में भय का माहौल। पुरानी रंजिश को लेकर आधा दर्जन लोगों ने की मारपीट, रायपुर कचुआ थाना क्षेत्र के पहाड़िया में हुई घटना। पुष्पेंद्र नागर के साथ विकास पटेल अपने आधा दर्जनों साथियों के साथ मिलकर की गाली गलौज मारपीट। सिमरिया थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 निवासी राधे श्याम गुप्ता हुए ठगी का शिकार। अज्ञात व्यक्तियों ने 3,60,000 रुपयों की धोखाधड़ी, पुलिस मामला दर्ज कर जाँच में जुटी। अज्ञात जहर का सेवन करने से युवक ने की आत्महत्या, सिमरिया थाना क्षेत्र के खारा निवासी पूनम सिंह ने उठाया आत्मघाती कदम। गढ़ थाना क्षेत्र के दुल्हरा तालाब के पास पत्थरबाजी, ट्रक में तेज वाली कॉल ने की पत्थरबाजी, हुआ नुकसान। सचिन शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। महिला ने अज्ञात जहर का सेवन कर की आत्महत्या, गढ़ थाना क्षेत्र निवासी यशोदा पॉल ने खाया था जहर, संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। मऊगंज थाना क्षेत्र के ढेरा स्कूल में मारपीट, रईस पटेल के साथ अभिलाष कौल, भाई लाल कौल, ललई कौल, उग्रसेन ने की मारपीट। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जाँच। महिला के साथ युवक ने की मारपीट, पीड़ित अंजना सिंह की शिकायत पर अमित सिंह के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। जिले भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।